वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन है 4 सिक्स्थ पार्ट। एक्सपेंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी 1/4 इंटू ए माइनस 1/2 इंटू बी प्लस 1 रेज द पावर 2। इसको आपने एक्सपेंड करना है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। कैसे करेंगे? 1/4 है, 1/4 ए माइनस 1/2 बी और प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए बाई फोर लिख सकते हो आप, यहां पे प्लस माइनस बी बाई टू। ध्यान दें, 3 माइनस 4 को लिख सकते हैं आप 3 प्लस माइनस 4, क्लियर है? और दिस इज 1। ये हम यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, या ये कहें आप x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हम देखें कौन से लगाएंगे। आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी होती है यहां पे? a किसका काम कर रहा है? a बाई फोर, बी क्या है? माइनस बी बाई टू, और सी कितना है हमारा? 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारा किसके इक्वल हुआ? ये पूरा a by 4 a है, ये b है, ये c है। अब वैल्यूज पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड तो है ही है, राइट हैंड साइड a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब है फर्स्ट ट्राइनोमियल है, तीन टर्म है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट कितने a बाई फोर, सेकेंड कितनी है माइनस बी बाई टू, प्लस 2bc। 2bc का मतलब है 2 इंटू सेकेंड और थर्ड टर्म, 2 इंटू माइनस बी बाई ए, सी कितना हमारा 1 प्लस 2ca। अब देखो c हमारा कितना है 1, और a कितना हमारा यहां पे a बाई 4। ठीक है, आइडेंटिटी हमने आइडेंटिटी को मेंशन करना जरूरी है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी की। a की स्क्वायर बाई 4, a की स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है b स्क्वायर, 2 की स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 1 प्लस 2 से यहां पे 2 कैंसल, और प्लस माइनस माइनस माइनस, तो क्या हो गया माइनस ए बी बाई 4, या 2 से 2 कैंसल माइनस बी, और प्लस 2 से यहां पे कैंसल हो गया, तो क्या बचा a बाई 2, आंसर आ गया ये हमारा। हमने इसको एक्सपेंड किया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हमने रिवर्स वे में करना है, यानी कि हमें ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये गिवन है, इससे इस स्टेप पे आना है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फैक्टराइज सेकंड पार्ट करवा रहा हूं मैं, टिपिकल है थोड़ा, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। वहां पे देखें हमने एक्सपेंड किया था, और यहां पे क्या करना है? फैक्टराइज करने हैं। इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? फैक्टर्स कैसे बनाएंगे इधर देखें, इसका मतलब है ये जो हमने फॉर्मूला किया था a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है इसको 2bc प्लस 2ca। अब इसको होल की स्क्वायर लिखना है, अब होल की 2 का स्क्वायर
टू का स्क्वेयर रूट क्या होता है, रूट टू, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। तो ये किसका काम करेगा, ए की स्क्वेयर का काम करेगा। अब बी की स्क्वेयर प्लस सी की स्क्वेयर, अब एट का स्क्वेयर रूट देखो क्या होता है, एट का स्क्वेयर रूट होता है टू रूट टू। कैसे निकालते हैं स्क्वेयर रूट टू इंटू टू, और एट स्क्वेयर यहां से एक पेयर में आ गया और जो सिंगल बच गया रूट में चला गया टू रूट टू, तो टू रूट टू जेड की होल स्क्वेयर। अब ध्यान दें इसको प्लस टू ए बी बनाना है, ये है ए, दिस इज आइडेंटिटी कौन सी हमारी, ये है ए की स्क्वेयर, ये है बी की स्क्वेयर, ए की स्क्वेयर प्लस बी की स्क्वेयर प्लस सी की स्क्वेयर प्लस टू ए बी। अब टू ए हमारा कितना रूट टू एक्स, और बी कितना वाई, टू रूट टू एक्स वाई आ गया, आना भी यही चाहिए मल्टीप्लाई करने से, बट यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, इसका अभी देखें करते हैं। अब टू रूट यहां पे टू बी सी, तो टू बी सी, बी कितना हमारा वाई, और सी कितना है टू रूट टू जेड। अब ध्यान से देखें मल्टीप्लाई करें, टू टू जा फोर, फोर रूट टू वाई जेड आ गया ना, और ये बन भी क्या गया टू बी सी। अब क्या लिखना है टू सी ए, टू सी हमारा कितना है टू रूट टू जेड, और ए हमारा कितना रूट टू एक्स। अब देखो एट एक्स जेड है, मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जा फोर, रूट टू को रूट टू से किया टू, फोर टू जा एट, एट एक्स जेड आ गया। अब लेकिन ये माइनस का ये प्लस का है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे देखें, इन दोनों में दोनों माइनस के हैं, इनमें कॉमन देखो कौन सा वेरिएबल है, कॉमन कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल कॉमन है, एक्स वेरिएबल कॉमन है, दोनों माइनस की टर्म है, इनमें एक्स वेरिएबल कॉमन है, तो आप इसको लिखो माइनस की होल स्क्वेयर। देखो माइनस की स्क्वेयर लिखो तब भी, प्लस की स्क्वेयर लिखो तब भी वही आना है टू एक्स की स्क्वेयर, माइनस की स्क्वेयर लिखो तब भी हमारा टू एक्स की स्क्वेयर ही आना है। माइनस की क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूले को पूरा करने के लिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ए हमारा अब किसका बन गया माइनस का बन गया, ठीक है टू बी सी टू सी ए, अब ए यहां पे किसका है हमारा माइनस का है। अब फॉर्मूला देख लो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, देखो ए यही है ना, प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, टू सी ए आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। तो ए हमारा यहां पे क्या है माइनस टू रूट एक्स, और बी कितना है हमारा वाई, और सी कितना है टू रूट टू जेड। हो गया ए प्लस बी की स्क्वेयर का इक्वल, ये होल स्क्वेयर है तो इसको टू टाइम्स लिख सकते हैं, रूट टू एक्स वाई माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड, टू टाइम्स लिख दिया हमने। ये आगे एक फैक्टर है, दिस इज द अनदर फैक्टर, फैक्टर का मतलब है अगर आप इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये, और इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा। अगर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट, तो अगेन हमारा यही स्टार्टिंग का पॉलिनोमियल आ जाएगा। इस तरह से आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।